हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर धमाकेदार सेशन विद अनअकैडमी। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड यू नो हाउ अनअकैडमी हैज हेल्प सेवरल स्टूडेंट्स एस देयर एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स, राइट? सो दिस वीडियो इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट वेयर वी विल बी ट्राइंग टू यू नो कवर एन एंटायर चैप्टर इन जस्ट वन वीडियो। सो इफ यू सिट थ्रू द एंटायर वीडियो, आई थिंक सो द एंटायर चैप्टर, ऑल योर डाउट्स, ऑल योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ठीक है? नाउ वेन वी टॉक अबाउट अन अकेडमी, ऑल ऑफ यू नो दैट वी ऑल्सो हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, राइट? तो अन अकेडमी, इफ यू वॉन्ट, यू कैन गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। वन बेनिफिट इज दैट ऑल ऑफ अस, दैट इज ऑल फैकल्टीज, दे हैव देयर ओन कोड्स। ओके, तो माई कोड इज SDA10, दैट इज सुषिता दास 10 प्रॉबली। तो SDA10 इज माई कोड। एंड इसका क्या बेनिफिट होता है? इफ यू आर ट्राइंग टू परचेज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ 10% ऑफ। तो ये चीज बताओ भाई, किसको डिस्काउंट अच्छा नहीं लगता है ना? सेल के टाइम पे हम लोग कपड़ा ज्यादा खरीदते हैं, क्यों? डिस्काउंट मिलता है। तो सिमिलरली इफ यू कैन सेव मनी, तो दैट इज गुड। सो यूज द कोड SDA10 टू अवेल 10% ऑफ। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, ओके, एंड सो आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एंड सो फॉर दैट आई विल जस्ट मूव अ लिटिल बिट टू द लेफ्ट। सो आई एम सुश्रुता, ऑल ऑफ यू नो, जिनको नहीं पता है जान लो भाई, मेरा नाम सुश्रुता दास है। एंड आई एम टीचिंग हियर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज अ फैकल्टी फॉर सोशल साइंसेज। सो आई टेक ऑल द क्लासेस ऑफ सोशल साइंसेज, मतलब यू विल सी मी टीचिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। बट आई ऑल्सो हैव अनदर जॉब, आई हैव अनदर करियर, एंड आई एम एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर बाई प्रोफेशन। अब ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर क्या होता है ये तुम लोग खुद ढूंढ के बताना मुझे। एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज 4th of July, दैट इज योर द डे अमेरिका सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे। सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि बीइंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। एंड यस, आई लव रीडिंग ग्राफिक नॉवेल्स। पता नहीं तुम लोग कितने लोग पढ़ते हो, बट पढ़ा करो, इट्स वेरी गुड। एंड समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई लव माई पेट्स, आई हैव टू पेट्स एंड आई लव देम। एंड थोड़ा बहुत इफ यू टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आई हैव ऑलवेज बीन इन दिस एडटेक सेक्टर। तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि वॉट यू स्टूडेंट्स वॉन्ट, क्या चाहिए होता है, क्या तुम लोग को नापसंद है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। एंड सो 10 साल मैंने बिता दिए इसी सेक्टर में। एंड मैंने बुक्स के कॉन्टेंट डिजाइन किए हैं, बहुत कुछ किया है, ठीक है? एंड टीचिंग मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं पढ़ाती भी हूँ। सो प्रीवियसली आई हैव वर्क विद ग्रेड अप, आई हैव वर्क विद पियर्सन, आई हैव वर्क विद एडूकॉम, आई हैव वर्क विद मेरिट नेशन। तो तुम अगर ये सारे नाम देखोगे, सारे एडटेक सेक्टर्स के ही नाम है। सो लेट्स मूव अहेड, अब बहुत हो गया अब मेरे बारे में बातचीत, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? दिस इज योर प्लस सिंबल एंड प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? द रीजन बीइंग, तुम लोगों को ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस, ठीक है? टॉप एजुकेटर से, अच्छे टीचर से पढ़ने का मिलता है ना। व्हाट आई बेसिकली फील, अगर मुझसे पूछते, अगर मेरे टाइम पे ऐसा कुछ ऑप्शन होता, तो मुझे 50 ट्यूशन्स एक बार में जाने की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इन ग्रेड 10 इज यूजुअली यू गो फॉर वन साइंस ट्यूशन, वन मैथ्स ट्यूशन, वन एसएसटी ट्यूशन और इंग्लिश ट्यूशन, सबका अलग अलग होता है। नाउ इसके लिए तुम लोग भागा दौड़ी करते हो। अभी कोविड के टाइम पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी पे बैठ जाओ और तुमको सारा कोर्सेस तुमको मिल जाएगा इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन।
अब इसका बेसिकली एक और रीजन है इज दैट सिर्फ सिलेबस कवरेज नहीं होता है, अलोंग विद द सिलेबस कवरेज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चेक योर नॉलेज, है ना। तो दैट इज द रीजन एवरी टाइम व्हाट एवर चैप्टर्स यू स्टडी यू विल गेट इज तुम लोगों को प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, वीकली टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे। सो जो भी पढ़ रहे हो उसको चेक करने का मौका मिलता है। तो गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो देखो इसका प्राइसिंग भी आई जस्ट लेट यू नो इट इज वेरी सस्ता। तो फॉर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल तुमको 10th कवर करना है ना, तो यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ ग्रेड 10th एंड यू नीड अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। इट इज 15,000। बेनिफिट इज इफ यू यूज दिस SDA 10 कोड, जो मेरा कोड है, अगर तुम उसको लगाते हो यू गेट इट फॉर 13,500। मतलब अगर मैं 1 साल का देखूं तो यू आर स्पेंडिंग नॉट मोर देन 1,000 समथिंग पर मंथ, कुछ भी नहीं है। मैं तुम सोच सकते हो 1,000 कुछ में तुम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। यूजुअली टीच कोचिंग फीस आर वेरी वेरी हाई, तो तुम उससे बच सकते हो। योर पेरेंट्स को भी कुछ कर सकते हो, उनको भी इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है यार, अच्छे अच्छे टीचर से सब पढ़ने को मौका मिल जाएगा। अच्छा अनादर सब्सक्रिप्शन वी हैव, वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने बोला, एक इज अनादर इज दैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा और हाई फाई है। क्यों हाई फाई है? अब बिकॉज मेनी किड्स नीड के भाई मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। मतलब अगर प्रॉपर प्लानिंग होता है तो यू कैन कवर द सिलेबस वे, तो तुम्हारा स्टडी प्लानर मिल जाता है इसमें, ठीक है। प्लस के जो भी सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स है वो तो है ही। एडेड टू दैट तुम्हारे पास वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है। अच्छा देर आर मेनी पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चे के प्रोग्रेस में इन्वॉल्व हो, कितना पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, दे वॉन्ट यू नो इंटरेक्शन विद द मेंटर्स, वो भी अवेलेबल होता है। यू कैन ऑल्सो गेट योर पर्सनल मेंटर। अगर तुमको चाहिए है कि आई वॉन्ट दिस स्पेसिफिक मेंटर टू टीच मी, यू कैन गेट अ पर्सनलाइज और अ पर्सनल मेंटर, ठीक है। अच्छा ऑल्सो तुम्हारे पास लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? ये है कि अगर तुमने एक चैप्टर कवर किया, सो आई विल जस्ट टेल यू द ये ऑफ सोशल साइंस। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तुमने पढ़ लिया, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव वॉच थ्रू द चैप्टर देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट्स दैट हैज कम टू योर माइंड। नाउ यू वॉन्ट दैट दोज डाउट्स टू बी क्लियर बाय योर मेंटर। तो भाई तुम्हारे पास मेंटर मिलेंगे जो तुम्हारे हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ एज पर द बेनिफिट इसका प्राइस अगर तुम देखो इट इज 28,000 फॉर 1 whole year, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल इफ यू अप्लाई दिस कोड ऑफ SDA 10 यू गेट इट फॉर 25,200 रुपीज, ठीक है। मतलब इसके लिए भी तुम कुछ 2,000 रुपये कुछ खर्चा कर रहे हो एवरी मंथ, 2,000 रुपये सारे सब्जेक्ट्स के विद इतने सारे बेनिफिट्स। सो आई वुड जस्ट से गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा तो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द लास्ट चैप्टर इन योर NCERT टेक्स्ट बुक। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी, शेयर करो वीडियो, लाइक करो वीडियो, एंड वॉट एवर इज योर फीडबैक। अगर तुमको लगा कि दिस सेशन हैज बीन वेरी हेल्पफुल और यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ चेंज इन द सेशन, डू लेट मी नो, ठीक है। सो टूडेज चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बिना किताब का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, राइट। सो एवरीबडी ऑफ अस वी नीड बुक्स, ठीक है। अब बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिग बुक्स गिव यू नॉलेज, राइट। तो चाहे वो किसी भी तरीके का बुक है, वॉट एवर काइंड ऑफ बुक इट इज, तो वेदर इट इज योर टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक्स, कुछ भी हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, इट गिव्स एन एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि पहले तो बुक्स वर नॉट प्रिंटेड, राइट, दे वर यूजुअली रिटन बाय हैंड। तो जो पहला टेक्नोलॉजी आया ऑफ प्रिंटिंग बुक्स, दैट
That was done in your जापान एंड कोरिया, ठीक है, एंड चाइना, चाइना जापान कोरिया से प्रिंटिंग शुरू हुआ। तो फ्रॉम ऑलमोस्ट AD 594, मतलब बहुत बहुत पुराना टाइम पे, फाइनली रबिंग पेपर यूज करके चाइना में दे स्टार्टेड प्रिंटिंग। नाउ व्हेन दिस इज एक्चुअली, नाउ इफ यू लुक एट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, देर इज नो डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय रबिंग पेपर। So that is the reason I have added this definition for you. It basically means to make a rubbing, a sheet of moistened paper is laid on the inscribed surface and tapped into every depression with a rabbit's hair brush. ठीक है, मतलब एक मॉइस्चर वाला शीट है, जो भीगा हुआ शीट है, उसके नीचे तुम्हारा इंस्क्राइब किया हुआ ब्लॉक्स रहता है। तो और क्या होता है, उसको पहले प्रेस किया जाता है और हल्के हल्के से ब्रश से ऊपर ऐसे रब किया जाता है, तो जो रब जहां पे भी रब करते हो वहां पे प्रिंट आ जाता है। सो दैट इज सेड टू बी योर रबिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यस, इट वाज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस एंड यू कैन आल्सो से दैट इट वाज डेफिनेटली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? इट वाज डेफिनेटली नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस जो जल्दी मूव हो रहा है, करेक्ट? ओके, नाउ चाइना थ्रू आउट हैज रिमेन्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, एंड बेसिकली जहां पे, वहां पे बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था। तो ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक सो, बहुत लोगों को IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनना है अमंग यू स्टूडेंट्स एज वेल। तो इंडिया में दिस इज सेट टू बी योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? अब सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग भी तैयारी करते हैं, पीपल हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दे नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, बहुत बहुत नॉलेज चाहिए, दे नीड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो चाइना हैड स्टार्टेड विद दिस कल्चर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉन्ग बिफोर। तो इफ यू हैव टू गिव देम द इंफॉर्मेशन, हाउ विल दे गेट द इंफॉर्मेशन? दे हैव टू गेट दैट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बुक्स। एज अ रिजल्ट इन चाइना टेक्स्ट बुक्स अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गया, एंड दैट वॉज ओनली टू केटर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाला सेक्टर। क्लियर? आई होप सो, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो अभी भी अगर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट, देर आर मल्टीपल पब्लिकेशन हाउसेज हु मेक बुक्स फॉर देम, राइट? यू हैव पियर्सन, यू हैव मैकमिलन, यू हैव अरिहंत। सो दीज आर फ्यू ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन हाउसेस हु मेक बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, अब द मोमेंट समथिंग इज मेड अवेलेबल टू यू, ठीक है, पहले जो चीज नहीं था तो पहले लोग इतना पढ़ते भी नहीं थे। Now, when that book became available in huge quantities, in large numbers, naturally people will start using also, reading also. Now, I'll tell you something very practical. Now, I am much older than you people, ठीक है? So, I have seen a number of products that did not exist earlier, but now it has become a part and parcel of your life. I'll tell you, I have seen few products, mobile phones. It was not there before. When Reliance bought in your first set of mobile phones, then I saw everybody started using mobile phones. So this transition has happened in front of me. It was not there before. But when things are made available, you start buying them. Correct? Okay. Another thing, it might really make you people laugh, but I have also seen the rise of deodorants. Okay. तो पहले क्या होता था? There was सस्ता परफ्यूम्स, और इनफैक्ट इवन महंगा परफ्यूम्स वर देयर इन द मार्केट, बट देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिओड्रेंट्स एज सच। बट व्हेन आई वाज रियली स्मॉल नहीं बोलूंगी, आई वाज इन प्रॉब्ली इन फोर्थ एंड फिफ्थ, देन इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट नंबर ऑफ कंपनीज, स्पेशली आई थिंक सो रेक्सोना, बॉट इन देयर रोल ऑन वाला डिओड्रेंट्स, एंड वेन दैट थिंग वॉज एडवर्टाइज पीपल वेंट क्रेजी अबाउट इट। Now we have reached a stage where there are number of companies manufacturing deodorants. We cannot think of stepping out of our houses without applying deodorant.
राइट, इट्स द सेम थिंग विद बुक्स. सो पहले नहीं था, पीपल डिड नॉट रीड और राइट, बट धीरे 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 व्हेन बुक्स बिकेम अवेलेबल, पीपल स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, दे थॉट ऑफ वाह इट इज गिविंग अस नॉलेज, सो लेट्स बाय मोर बुक्स, लेट्स रीड मोर बुक्स, है ना. ओके, नाउ इन चाइना शांघाई वॉज द मेन सेंटर वेर प्रिंटिंग स्टार्टेड. ओके, एंड बेसिकली इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम अ नंबर ऑफ वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स हैड कम अप इन शांघाई. ठीक है, मतलब वेस्टर्न मतलब वेस्ट के कंट्रीज के जैसा, वहां के जैसा डिसिप्लिन, वहां के जैसा एटिकेट सिखाने वाले स्कूल, सो दीज स्कूल्स वर कमिंग अप. नाउ व्हेन यू हैव स्कूल्स कमिंग अप यू नीड बुक्स अगेन. ठीक है, सो शंघाई बिकेम दिस सेंटर दैट प्रोवाइडेड और प्रिंटेड दीज बुक्स फॉर द पीपल, फॉर स्टूडेंट्स. एंड नेचुरली इफ द डिमांड इज राइजिंग, तुमको प्रोडक्शन भी यू हैव टू इंक्रीज. सो हाउ डू यू इंक्रीज दिस प्रोडक्शन? दिस प्रोडक्शन कैन ओनली इंक्रीज इफ यू मूव फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मशीन प्रिंटिंग, बिकॉज वेन यू मूव टू मशीन प्रिंटिंग यू कैन प्रिंट मोर बुक्स इन लेसर स्पैन ऑफ टाइम. राइट, ओके. नाउ धीरे 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 दिस प्रिंटिंग थिंग स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर. Knowledge moves from one country to the other, right? So it was the Buddhist missionaries, matlab those who preach, theek hai, missionaries matlab jo log religion preach karte hain. So they started bringing this knowledge of hand printing from China to Japan, theek hai? To pehle it was only in China, from China it moved to Japan, theek hai? So you see how this idea is spreading. So this happened in around दिस टाइम, मतलब और 200 साल पकड़ लो, 200 साल के बाद जापान तक पहुंचा ये आइडिया ऑफ प्रिंटिंग. नाउ जो जापान का सबसे पुराना बुक है दैट इज कॉल्ड डायमंड, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र. नाउ दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज. ऑल्सो रिमेंबर बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, सो डोंट कंफ्यूज इट विथ इट बींग अ चाइनीज बुक. जब भी पढ़ रहे हो गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द निटी-ग्रिटी, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, क्योंकि अगर एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कि एक चीज जो बहुत इनोवेटिव हुआ इन जापान दैट वाज इलस्ट्रेशंस, मतलब पेंटिंग्स. ठीक है, तो बुक्स में पेंटिंग्स भी आने लगे एंड जापान हैड दिस कल्चर जहाँ पे पीपल यूज टू गैदर टू ड्रिंक टी, जैसे क्लब हाउसेस जहाँ पे लोग बैठ के मिल के गप्पे मारते थे, चाय पीते थे, एंड दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. नाउ धीरे 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 ये जो सोसाइटी में हो रहा है द बुक स्टार्टेड डिपिक्टिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, तो सोसाइटी में हाँ लोग ऐसे गप्पे मारते हैं, सो दोज इमेजेस स्टार्टेड बींग ब्रॉट अप. तो धीरे 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 बुक स्टार्टेड reflecting what is happening in the society. Correct? Understand? Alright. Now, abhi tak everything was centered around Asia. Yahan tak. Dheere dheere dheere, if you, all of you know about the Silk Route, right? Jo China se leke pura Europe tak connect karta tha. So this, along this Silk Route, there were many merchants, many traders, many missionaries who used to move from one part of the world to the other part of the world. And by the 11th century, theek hai? So Chinese paper kaise banta hai, ye jo sara knowledge hai, it reached Europe. Mane soch lo, kahan tak pahunch gaya, kahan tak kahin pahunch gaya, knowledge. So Italy mein, Marco Polo, all of you must have heard about the name of Marco Polo. So Marco Polo brought this knowledge of printing or no, kaise print hota hai books, Italy mein pahuncha with the help of Marco Polo. Theek hai? Ab dekho, har country mein somehow it reaches, right? For example, in India, there are many foods, I think so all of you have studied it in class 9, or I think so in grade 10th only you will study in the making of the global world. There are a number of food that does not belong to India. So agar hum log bol de, for example, ke tum momos
for example, or chow mein, for example, where did it come from? It was not something native that Indians used to have. It came from somewhere else, right? So things come from the outside world, it gets acclimatized to this custom society and apna jaise roop dharan kar leta hai, right? So if you look at the Chinese, pure Chinese style cuisine, जहाँ पे चाउमिन बनता है, नूडल्स बनता है, एंड इंडिया में जो देसी चाइनीज है, दैट इज वेरी डिफरेंट, है ना, मसाला मार के. तो सिमिलरली व्हेनेवर एनी नॉलेज गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, उस कल्चर और उस कंट्री के जैसा मोल्ड कर लेता है खुद को. ठीक है, अब इमेजिन करो समथिंग दैट इज बीइंग न्यूली लॉन्च्ड इन द मार्केट. Is it going to be expensive or is it going to be cheap? Something that is very exclusive, it is usually expensive. Okay, and so wealthy people, they had the first access to all these books. Okay, and they employed scribes. Scribes matlab jo log copy karte the, theek hai, ek book se दूसरे बुक में कॉपी करते थे, मतलब देख देख के उसको दूसरे बुक में कॉपी करते थे, वैसे ही तुम्हारे प्रिंट्स बनते थे पहले. तो दिस वाज आल्सो नॉट अ इजी प्रोसेस, एंड इफ यू आर एम्प्लॉइंग समवन टू राइट और कॉपी एन एंटायर बुक, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. इट इज नॉट समथिंग दैट इज बीइंग मेड बाय द मशीन, कि हर एक ही बार में बहुत सारा प्रिंट्स निकल रहा है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट इज द सेम रीजन वाई हैंडलूम के कपड़े इतने महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू द क्लोथ्स दैट आर मेड इन द इंडस्ट्री. वाई? बिकॉज भाई उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट ज्यादा लगता है. सो सिमिलरली एट दैट टाइम बुक्स वर बिट एक्सपेंसिव. ठीक है, लेकिन जब बुक्स मार्केट में आ गए, ठीक है, तो वेन पीपल केम टू नो अबाउट इट, द डिमांड फॉर बुक्स ऑल्सो इंक्रीज्ड. Now more people wanted to read books. Now if more people wanted to read books, do you think just handwritten books could meet this demand? No. Bhai, agar mahine mein, in a month, there is demand for 1,000 books, the scribe is able to just produce 50 books in a month. There is a huge demand and supply gap. If you have to bridge this demand and supply gap, what do you have to do? Kya karna hai? The thing that you have to do is by printing banao. Print karo books. Tabhi you will be able to meet that demand. Okay. So initially printing kaise hota tha? Wood blocks se. So you see this image. That is the reason I have used images in every slide so that tum logo ko विजुअलाइज कर पाओ कि कैसे क्या होता था. सो यू सी दिस वुड ब्लॉक्स एंड देयर आर दीज थिंग्स और द टेक्स्ट हैव बीन एनग्रेव्ड. तो इसके ऊपर अगर तुम इंक लगाते हो एंड देन यू प्रेस इट ऑन द पेपर, यू विल गेट द प्रिंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी यूरोप. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स. अब फाइनल 15th सेंचुरी में दिस नेम all of you know, that is Johann Gutenberg, Gutenberg. So he started the printing press. So pehli baar printing press bana in Europe mein. This is Johann Gutenberg, and I understand that he looks a little bit like Santa Claus, but remember this image so it will stick in your mind. So this date is very important, that is 1430s. Theek hai, so it was in 1430s that your first printing press came to the market. Okay, and the first book that was printed on Gutenberg's printing press, it was the Holy Bible. Okay, and just imagine abhi ke speed ke jaise, you cannot compare the speed that was there during that time. It is not possible because the machine that was also there, that was manual, it was not running on any kind of electricity or something like that. So to produce 180 copies ko banane mein, they took 3 years. So that was the pace. Tum abhi ke saath to you cannot compare because
Can you imagine what happens in a newspaper printing press? कितने निकलते हैं न्यूज़पेपर्स इन वन नाइट, कितने पेपर्स प्रिंट होते हैं फॉर नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? बट एट दैट टाइम, इफ आई से इन द 15th सेंचुरी प्रोड्यूसिंग 180 कॉपीज इन 3 इयर्स, इट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अगर तुम देखो ना, दिस इज व्हाट प्रिंटिंग प्रिंटेड बुक्स लुक्ड एट दैट टाइम. ठीक है, If you look at it, you will see that it resembles handwritten notes. देख के नहीं लग रहा है कि it has been written by hand very carefully, है ना? And layout भी वैसा ही होता था. Now what has happened? Things have changed a lot, right? When you open a book, you have comics वाले books. So they are very, very, very different from what used to be earlier, correct? So प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन ऑल द कंट्रीज बाय, मतलब 15th-16th सेंचुरी तक बहुत सारे जगह पे, बिकॉज क्रेडिट गोज टू गुटेनबर्ग, लेकिन बहुत सारे जगह पे बन गए प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, इमेजिन करो डिमांड कितना था. ऑलमोस्ट 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स बिक गए बाजार में. ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी. दैट मीन्स ये तो बेवकूफ नहीं है ना लोग, के दे आर जस्ट प्रिंटिंग बुक्स. दे आर प्रिंटिंग बुक्स ओनली बिकॉज देर इज डिमांड, ओनली देन यू कैन अर्न प्रॉफिट, राइट? इफ देर इज नो डिमांड, देर इज नो मतलब ऑफ प्रिंटिंग सो मेनी बुक्स. बट येस, डिमांड वॉज राइजिंग बिकॉज द प्रोडक्ट हैज बिकम अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ व्हाई आई एम मेंशनिंग so many times about demand, supply, availability, accessibility, this is because to somehow make you people understand that when you study social sciences, all these subjects that you study, right, they are well connected. Okay, so when we are studying about history, understand all the concepts of economics also work here, hai na? Acha, next, when we were talking about the Silk Route, that can become a part of geography, right? Because this Silk Route, it went through your mountain passes, as well as you had these waterways also in the Silk Route. That becomes a part of geography, transportation. So never think social science to be like four different things or four different subjects. They are interconnected. Ab dheere 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 you will see how political science or civics also comes into it. Now dheere 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 kya hua, jaise demand badha for books, machine printing of books also rose, so production was also increasing. Now more books were being produced. If more books are being produced, then you can sell more books. That means more people can get to read more. So if demand is rising, production also has to increase, right? Correct. Now if I talk about common people, pehle kya tha, when things are available, now this is also something of economics, when something is available in small quantity, usually the price of the thing is really high. Okay, up, if a book is very expensive, do you think everybody will be able to buy it? No, only the rich could afford it, right? But when we are producing more books, then what happens? The price of books falls, hai na? When the price of books fall, then automatically common people, let's take this girl to be a common girl, common people can also buy these books and read and get education, get knowledge, not education, but get knowledge, right? So if you look, abhi to the age has completely changed. Now people prefer to read books also on Kindle or something like that. But abhi books have become sasta, right? Especially if you, I don't know how many of you stay in Delhi, but or even in Kolkata, you have, if you search for, I think so,
The Kolkata College Street is the only market that is completely dedicated to books, right? So because demand hai, log khareedte hai, hai na? In Delhi, in Daryaganj region, to wahan to kilo kilo mein books bikta hai. So they don't sell books by one piece at a time. So they'll weigh ki acha 2 kilo ke books ho gaye, jitna bharna hai bhar lo, aisa. Now धीरे 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 अब क्या हुआ कि हम लोग वी ऑल हैव हर्ड फोक टेल्स फ्रॉम आर दादीज और नानीज और ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है. सो इनिशियली यू नो ऑल दीज फोक टेल्स दे स्टार्टेड टू बी प्रिंटेड, ठीक है. तो जैसे वी हैव विक्रम बेताल और ईसॉप्स फेबल्स और पंचतंत्र इन इंडिया, सो सिमिलरली द फोक टेल्स देयर ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड, ठीक है. एंड स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स और दीज बुक्स दे वर ऑल अकम्पनीड बाय पिक्चर्स. सो व्हेन यू ऐड पिक्चर इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, है ना. कि तुम लोगों को आई नो बिकॉज रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स माइट बी वेरी वेरी बोरिंग, स्पेशली फॉर सोशल साइंसेस बिकॉज इट इज मोस्टली ब्लैक एंड वाइट, नॉट मच पिक्चर्स. दैट इज द रीजन आई हैव ऑलवेज सेड कि माई हॉबी इज एक्चुअली reading graphic novels because lot of pictures. I love seeing pictures. So yes, so when we talk about folk tales, so folk tales ke books aaye, folk tales were you know supported by your pictures. So yes, very good. Now ab dekh, listen, there is always a class of people jo change se darte hain, they are afraid of changes. So you can say that these people, we can call them to be conservatives, right? And you will find conservatives in every society. Now they feared ki bhai, if everybody is getting knowledge, okay, then might be they will challenge religion, you know. Now what happens when you are exposed to scientific thoughts, automatically you will challenge religion, don't you think? If in I don't know, I have not read many religious texts, but soch lo ki agar koi religious text, kisi bhi religion ka text agar tumko, they say that it is the sun that revolves around the earth, theek hai, and when you and you were believing that because your religious institution was telling you so, or your religious books were telling you so. But when you get access to education, or when you get access to scientific knowledge, automatically you start thinking logically and rationally. Now when you start thinking logically or rationally, you will definitely question ke bhai, that means whatever I knew till date, it was all wrong, it was all false, hai na. So there were many people who thought of, especially this religious people who had a lot of power, they started fearing ke bhai, we will lose all power because people are getting so much knowledge. Understand? So it was during this time that all of you must have known or might know the name of Martin Luther. Okay? So this is Martin Luther, and he was a reformer. Now what Martin Luther did was that when he got the knowledge, he started criticizing religion, okay, especially he started criticizing the Catholic Church. They said that basically his main idea was that even if there is a God, okay, there is a God, we'll worship God, but why do we need to give so much of authority to the middle people, hai na, like your popes or your fathers and all of these people, and what is the need of such religious paraphernalia? Religion is something simple, don't make it complicated, okay. So what he said is that dheere dheere his main problem was that he felt that these Catholic churches na, jo churches hai, they were just thinking about earning money for themselves. So they were not doing any religious duty. They have become greedy. They are earning money for themselves. And
he wanted people to change the belief that if you do some good work, then you will if you have to perform some good activity or good work, only then you will get the eternal life. He said these are all bekar. You are trying to fool people. Okay, so he just believed he, instead of all this show bazi, dikhawa bazi, okay, it is faith that is very important. So yes, he was a religious man. He is not saying that you quit religion. He is saying that you just have faith in your own God. That is all that is required. There's no need for gatherings and offerings, and these are the things that you don't need. Theek hai? Now dheere dheere dheere, if you see, when you start reading, you start questioning a lot of things, right? Now, if I say, let's talk about India, in Indian context. If I say, all of you know about the Sati Pratha, right? All of you know about Jauhar, because I know many of you have seen Padmavati. So, these are few concepts that were there, but they are not practiced in present times. Why? Because with time, people became more informed and they understood that all these practices are nothing but constructs of a patriarchal society. Nothing is going to happen. Right? So, naturally, people did raise their voice against it. These activities have changed. So naturally, if you have to bring change in the society, or you so-called, if you have to reform society, idea bhi to aana chahiye dimag mein. This idea is very important. And how do you, ye dimag ka batti kaise jalate? Jab tum kuch achha padhte ho, or when you see something, when you read something good, theek hai? So that is the reason, if you see, I have taken a class also where I've said ki comics helps a lot to understand a lot of things. So do read comics, do read storybooks. It is not something that you have to stick with your NCERT textbooks for the whole of your life. Please don't do that. You'll just become a ratification tota. Okay. When you are studying, question everything. Curiosity is another word I really like. So curious bano, cheezo ko question karo. Theek hai? Okay. Now, ab, when people started questioning, theek hai, ke they are saying, ke, what is this? Okay. Then, the Roman Catholic Church, jo church tha, jo abhi tak they were, matlab after the Raja, the church was the most powerful institution. And in some cases, in fact, the matlab, it was more powerful than the king himself. Okay. So they started saying, listen, our faith is our faith. Don't question our faith. It's like race ka dialogue. My business is my business, none of your business. So they were afraid, because now people were questioning the religious, ill beliefs. Okay. And what did the church do? Because church had a lot of power. They said, ke bhai, few books they demarcated. They said, ke ye books are banned. You are not allowed to read them. Why? Why do you think they banned all these books? Because they knew that if people read these books, they would question the church. Okay, so they stopped. Okay, these are in the list of prohibited books. So even now, if you look at in India, there are many books that are still banned in India. So I think so all of you can do a little bit of homework and tell me a few books that are banned in India. Okay, because there, in India also we have banned a number of books because we believe that the government believes
that they can, create a lot of turmoil in the country. ठीक है, सो देर इज आई टेल यू अ फ्यू ऑफ द नेम्स ऑफ फ्यू बुक्स दैट आर बैंड इन इंडिया. एंड सो लेट्स से द रीसेंट टाइम्स द सेटेनिक वर्सेस, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. इट इज रिटन बाय सलमान रुश्दी. सो दिस बुक इज बैंड इन इंडिया. ठीक है, एंड बिकॉज इट देर वर अ नंबर ऑफ मुस्लिम ग्रुप्स, दे प्रोटेस्टेड दैट इट हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. सो द गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट टू क्रिएट मच क्योस अबाउट इट, एंड सो इट वॉज बैंड. देन देर इज अनादर बुक कॉल इंडिया इंडिपेंडेंट, रिटन बाय चार्ल्स बेटलहेम. सो दैट इज ऑल्सो बैंड बिकॉज इट क्वेश्चन अ लॉट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो येस, दैट इज बैंड. सो देर आर लॉट ऑफ बुक्स, एंड देर वर अपार्ट फ्रॉम दैट देर वर अ नंबर ऑफ अदर बुक्स दैट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, के बाद में दे वर अलाउड इन इंडिया, बट लेटर ऑन दे वर अलाउड टू बी पब्लिश्ड. सो येस, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय अरुंधति रॉय, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एंड दैट वॉज बैंड. देन आई थिंक सो देर इज अनादर बुक बाय तस्लीमा नसरीन कॉल्ड लज्जा, दैट वॉज बैंड. दाविंची कोड वॉज ऑल्सो बैंड फॉर सम टाइम बिकॉज they questioned it. Is I don't know how many of you have written the book, read the book or seen the movie, but that was banned by Nagaland. It was just banned in Nagaland because they thought that it contains some blasphemous remarks about Jesus. So yes, things still happen. So everybody is afraid ki kuch jhamela ho jayega anyway. But by the 18th century, if you see now that books were made available in Europe, so literacy rate also increased in Europe. ठीक है, now churches, if you see of different denominations, different churches, they started setting up their own schools, and so धीरे 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 these schools opened in villages, and so people of the lower strata, the ring of the society, they have also started getting educated. ओके, नाउ धीरे 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 एवरीथिंग गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड थिंग्स बिकम बेटर. सो सिमिलरली इवन फॉर बुक्स थिंग्स चेंज्ड, अ लॉट चेंज्ड. नाउ फोक टेल्स आ गए, पिक्चर वाले बुक्स आ गए, बच्चों के लिए बुक्स आ गए, वुमेन्स के लिए बुक आ गए. सो यस, थिंग्स वर चेंजिंग. एंड मोर ओवर इन इंग्लैंड समथिंग वेरी गुड हैपेंड एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज सस्ते दामों में बुक्स वर मेड अवेलेबल. ओके, सो दे वर सेड टू बी पेनी चैप बुक्स. तो सस्ते में लो, बुक लो एंड पढ़ो. एंड दे वर लाइक मूविंग लाइब्रेरीज ऑल्सो, मतलब यू कुड, इफ यू डोंट वॉन्ट टू बाई द बुक्स, यू कुड गेट इट ऑन, मतलब ले लो, बोरो कर लो, पढ़ लो, वापस कर दो एट अ वेरी मिनिमल प्राइस. दैट इज गुड. अच्छा, उसके बाद आया कि अगर हम लोग ये जो पढ़ाई लिखाई का माहौल इट वॉज बींग क्रिएटेड, नाउ ऑल दीज साइंटिस्ट ऑफ दिस रिफॉर्मेशन एज, इफ यू टॉक अबाउट, देन देन वी हैव आइजैक न्यूटन, थॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो, सो ऑल पॉलिटिकल थिंकर्स, साइंटिफिक थिंकर्स, इनके बुक्स स्टार्टेड बींग प्रिंटेड, साइंटिफिक डायग्राम स्टार्टेड बींग प्रिंटेड, ओके, मैथ्स स्टार्टेड बींग प्रिंटेड. सो वी were moving towards a more logical, more rational, a more scientific society. We were trying to, books helped to build a more scientific society. You agree? All of you agree to that, right? है ना, अगर books नहीं होते तो शायद हम लोग अभी भी इतने ही बेवकूफ रहते, है ना? Alright. Now, they had the idea when people started reading books, they believed ki if we read books, the society can overcome despotism,
the society can overcome tyranny. Now, this is true. Now, I think so all of you have read about Hitler in grade 9. So even under Hitler, do you remember, he had also banned a number of books. Also, he had completely changed the syllabus for students. Why did he do that? Because he wanted ki his position should be maintained. No one should challenge his position. So he had rewritten the history of Germany, right? And if you see the books that were written during Hitler's time, there is no mention of Germany being lost in the First World War. Okay, nothing like that had ever happened. So gayab ho gaya wo from the pages of history of India, of Germany. So books mein itna taakat hai, it has the power to topple government. So people realize that. People realize that we need to read books so that hum log ka intellectual level badhe and we can question, we can fight against despotism, we can fight against this, the rulers, the church, anyone. Because if you read Voltaire, if you read Rousseau, the French Revolution, just imagine. It was the philosophers who actually inspired people. Aise hi na hua. Theek hai? Okay, this is exactly what I was coming to. French Revolution bhi isi se hi hua. Because of Voltaire, Rousseau and all the books that people were reading. So they said ki now we have to end despotism. We have to finish the reign of Louis the 16th. We want what we wanted. We want liberty, we want equality, we want fraternity. And so all these ideas, these three key ideas came to their mind only when they read books. Okay, imagine karo, books ne ek pura nation ko hila ke rakh diya. Books inspired the whole of Europe to rise and question the authority or authoritarian governments. Okay, so during this time, it brought in the culture of enlightenment. Matlab, dimag, enlightenment matlab kya hua? Dimag is opened now. Okay. So people started questioning church, people started questioning the rajas, and people started demanding ki bhai, power should be in the hands of everyone. Right? Power should not be something just in the hands of the raja. Or just in the hands of the church. No. This is exactly what Voltaire and Rousseau, they said. And moreover, what they said is, if you have a government that is ruling, they should have the social sanction. That means people should agree to it. Ke bhai, ha, this is our government. We have selected our government. And they are fit to rule our country. Hai na? So these are the changes that were brought in by Voltaire. These are the changes that were brought by the ideas of Rousseau. Now, so there started social revolution. All of you know, okay, there were the liberals, there were the radicals who questioned and they said, okay, bhai, we want more rights. We want rights for ourselves. So this critical mindset had been developed. That is the reason people woke up and started to plan and go for revolutions. Now, if you see, by almost the 18th century, okay, so people started saying, what is monarchy, bhai? And they started questioning monarchy. They said that we don't believe in anything called hereditary monarchy. Or we don't believe in something which is said to be absolute monarchy. Ke bhai, raja ke paas sab power. No. They said, ke, first of all, this thing has to end. Why it has to end? Because ek raja hai. It does not mean that the raja's son will also be or will have all the skills of the previous raja. Might be he is not fit to become the king. So they said, first of all,
there is a need to end monarchy, and even if we are not ending monarchy, the power of the Raja should, or the king needs to be controlled by a constitution. That is, they were moving for constitutional monarchy. Raja will have the power, but he will be in control. He will be controlled by the laws prescribed in the constitution. So this is what changes happened. Now, primary education, dheere dheere, if you see, education was not the property of only one class of people. So dheere dheere dheere, education became compulsory in the 19th century for children. Primary education. India may be primary education is compulsory, right? Yes. In India also compulsory education is there because primary education to milna hi chahiye sabko, right? So, dhire dhire dhire, the books were started getting printed for children, for women, for workers, and there were a number of press. Okay, they were devoted for children's books. तो चिल्ड्रन वाले बुक्स में क्या होता है, इट हैज इमेजेस, इट हैज ऑल दीज थिंग्स, सो समथिंग दैट विल एंगेज बच्चा. सो यू कैन नॉट इमेजिन, सो जस्ट थिंक ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. नाउ इफ आई से दैट गिव दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टू अ क्लास टू स्टूडेंट, इज इट फिट फॉर अ क्लास टू स्टूडेंट? नो. सो यू हैव टू नो वॉट काइंड ऑफ बुक्स नीड टू बी प्रिंटेड फॉर अ क्लास टू स्टूडेंट, फॉर 8th standard students, for 10th standard students. There is a different way of preparing books, and you know what, I learned a lot about it. I'm telling you from my own experience. I had no idea about how books are published, but the books that you read, a lot of effort goes into that. When I was working with Pearson, so I don't know how many of you have heard about Pearson or Pearson books. तो मैंने पहली बार देखा भाई, एक बुक बनाने के पीछे कितना काम लगता है. क्या टेक्स्ट जाएगा, क्या डिजाइन होगा, क्या इमेजेस जाएंगे, फॉर एवरीथिंग यू नीड अप्रूवल, कॉपीराइट के लिए परमिशन लेना पड़ता है, देन यू हैव 3 or 4 राउंड्स ऑफ एडिटिंग, करेक्शंस, यू हैव टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम द ऑथर, यू गेट हैव टू गेट इट करेक्ट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इट्स To print one book, it takes around a year. So, तुम लोग जो book पढ़ रहे हो, so बहुत काम लगा है. So, respect that. All right. So, अच्छा. Next, what happened was one very ignored group in the society, the woman. ठीक है? But it was during this time that there were many women authors who came up and they started writing books. And one of the very, very known name is Jane Austen. You also have the Bronte sisters and George Eliot. And they started writing for women, keeping women characters in mind. So all your characters, like, I mean, all your books like Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Jane Austen. So all of, matlab, your Emma, so all of them have been written for women, but keeping women readers in mind. So yes, so unke paas bhi ja raha tha. Now this is exactly what I was saying. This is your lending libraries. Theek hai? Theek hai? So lending libraries cater to the needs of poor people. कि भाई बुक नहीं खरीदने का पैसा है, ओके, आई टेक, आई बोरो अ बुक, आई बाय इट, आई रीड इट, मतलब आई रीड इट एंड रिटर्न इट एंड आई पे अ लिटिल बिट ऑफ मनी. सो आई थिंक सो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी गुड, एंड यू नो इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो एक्चुअली यू नो यू कैन, आई थिंक सो सबको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करने का मन करता है. आई थिंक सो दिस इज समथिंग you people can come together and start it in your own society as well. लोगों को books पढ़ाओ, it's a very good thing. Okay, now धीरे 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 और innovations होने लगे. Now what was the innovation? Please remember the names. This is Richard M. Hoe. Where am I writing? Okay, this is Richard M. Hoe of
न्यूयॉर्क एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड द पावर ड्रिवन प्रिंटिंग प्रेस. ओके एंड जस्ट इमेजिन दे कुड प्रिंट ऑलमोस्ट 8,000 शीट्स पर आवर. तो आप सोच सकते हो पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुटेनबर्ग 180 बाइबल्स वर प्रिंटेड ओवर द स्पैन ऑफ 3 years. Now, by the mid-19th century, you are printing 8,000 sheets of paper in just 1 hour. This is development. Progress. Okay. Now, dhire, pehle toh it was black and white printing. Dhire, colors also started to come up. So, probably these were not the colors, but I just added the image of a color so that you can realize that printing color mein hone laga and they could print almost 6 colors. They could print 6 colors at a time. By this all happened by the 19th century. Ab next century mein aate hain. By the 20th century, what happened? Electrically run machines came up. So naturally kya hua? Aur zyada papers aane lage aur zyada printing hone laga. Okay. So lot of new development. अब एक चीज जो हुआ बाय द 19th सेंचुरी सीरियलाइज्ड नॉवेल्स आ गया मार्केट में. सीरियलाइज्ड नॉवेल्स क्या होता है? नाउ इफ आई से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बहुत सारे बुक्स. हैरी पॉटर, बहुत सारे बुक्स. सो इट इज अ सीरीज. गेम ऑफ थ्रोन्स, बहुत सारे बुक्स. इट्स वन स्टोरी इन वेरियस सीरियल्स, इन वेरियस बुक्स. तो जैसे अभी टेलीविजन पे इफ यू सी यू हैव सीजन्स, राइट? सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 ऑफ एनी सीरीज दैट यू वॉच, तो वैसे सीरीज आते थे. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ सीरियलाइज नॉवल कि तुमने एक बुक पढ़ लिया, यू हैव रेड फिनिश्ड वन बुक एंड देन यू ईगरली वेट व्हेन इज द नेक्स्ट बुक कमिंग. सो दैट क्रिएट्स मोर डिमांड, है ना? सो आई रिमेम्बर व्हेन वी वॉच यू नो एनी सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स. So, for example, recently I was watching Lupin. So, I finished first season of Lupin and then I was waiting, when is the next season coming up? So, it's something like that. It creates a curiosity and you have a separate set of readers for that. So, that became a hit. Also, saste books, shilling series, hum log kehte the during that time in 1920s. Matlab, saste love stories. Okay. So that also came in the market. So you see, these are castles, shilling novels. So abhi bhi if you go and I don't know how many of you people travel by railways, but usually jo railways ke platform pe tum dekhna, jo bookstores hote hain, wheelers jisko kehte hain, so wheelers mein you find a number of saste saste Hindi novels. They are very sasta and they are very entertaining. Matlab dhamakedar, something or the other is happening. So fun reading. So you have audience for that as well. Acha, uske baad another very important thing that happened is if you look at hardbound books or even softbound books, you will see there is a book cover. Okay. Okay. So book cover. So I'll just show it to you. So this is one book. Okay, I had bought it while I was flying somewhere. So this is Jaduwala's Jugglers and the Jinn. So this is the book cover. You see this? This is the book cover. Aise hota hai. Okay. So these were not available earlier, but iske upar bhi bahut effort lagta hai. Just look at the cover. So interesting. Do you see that? So iska bhi tumhara image selection, kaisa font jayega, nahi jayega. And you have, this is the back cover. And also here you have the information about the writer. This is about the content that is there in the book. What is the book all about? And this is the original hardbound book. बुक, ठीक है? तो इसके ऊपर वो जैकेट चढ़ता है. सो दिस वाज आल्सो अ न्यू थिंग दैट केम अप एंड पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट.
छोटा छोटा सा चीज स्टार्टेड इवॉल्विंग विद टाइम. आई थिंक सो दैट्स ग्रेट. दैट इज व्हाट हैपेंस फॉर एवरी प्रोडक्ट. तो तुम जब नोकिया के फोन्स देखते हो पुराने जमाने वाले और अभी के फोन्स देखते हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके नाउ नाउ कमिंग टू इंडिया. ठीक है, तो अभी तक तो वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, है ना. पूरा वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं, सब हो गया है. बट इन इंडिया वी हैव अ वेरी रिच कल्चर ऑफ रीडिंग रीडिंग. सो इवन इफ यू सी, इफ आई टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया, सो यू हैव रेड अबाउट द ऋग्वेदा, के ऋग्वेदा लिखा गया था उतने पुराने टाइम पे. बट डेफिनेटली इट वॉज नॉट रिटन ऑन पेपर because there was nothing called paper during that time. So you had all these manuscripts that were written, whether it was in Sanskrit, Arabic or Persian or any other vernacular languages. They were made on palm leaves. Okay, ya fir hand se banaya hua paper. In fact, handmade paper bhi bahut baad mein aaya hai. So this is how it was done. So this is a manuscript, theek hai? And you see all these pages or all these what you say is palm leaves, वो एक साथ एक string से बांधा गया है यहाँ पे. They are sewn together. And definitely it is very fragile. With age, with time, there is always a chance कि वो खराब हो जाएगा. It will deteriorate. So you have to keep it very, you know, in safe and secure. It is not for rough handling. So अभी जैसे I just opened a book and showed it to you. That you cannot do with such manuscripts. So in India, if we talk about printing, so-called, so it started with the 16th century. ठीक है, काफी बाद में आया है printing in India, and it was bought by the Portuguese missionaries. So you know that by the 16th century, you know, many European powers were coming to India. ठीक है, excuse me. तो जितने भी ये यूरोपियन पावर्स वर कमिंग टू इंडिया, नाउ वहां पे अपने कंट्री में, इन देयर कंट्री ऑलरेडी द नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग वाज देयर, सो दे ब्रॉट दैट नॉलेज विद देम टू इंडिया. सो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट वाज ओपन्ड इन इंडिया, इट वाज इन गोवा, बिकॉज पोर्तुगीज पहले उधर ही आए. नाउ इन 1674 about 50 books had been printed in Konkani and Kannada language. ठीक है, because south से ही शुरू हुआ है तो south के languages से शुरू होगा. Cochin in 1579 Catholic priests printed the first Tamil book. ठीक है, 1713 Catholic priests printed the first Malayalam book. By 1710 Dutch Protestant missionaries printed around 32 Tamil texts. And finally तुम्हारा न्यूज़पेपर जो है, दैट वाज स्टार्टेड बाय ऑगस्टस हिकी. प्लीज रिमेंबर दिस नेम, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑगस्टस हिकी. ही स्टार्टेड एडिटिंग द बंगाल गैजेट. ठीक है, एंड इट वाज अ वीकली मैगजीन. सो यस, ऑगस्टस हिकी 1780 बंगाल गैजेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो धीरे 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 इंडिया में भी प्रिंट आने लगा. एंड एज इट हैड हैपेंड इन यूरोप, सो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया आल्सो. इंडिया बीइंग सच अ रिलीजियस कंट्री, एंड सो देयर वर डिबेट्स. ओके, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रिलीजन, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी डन, दैट शुड नॉट बी डन, दिस इज करेक्ट, दैट इज रॉन्ग. ऑल दीज थिंग्स केम अप, एंड दिस इज द टाइम वेन यू हैव people like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and many such reformers who came to the forefront. They questioned a number of social things that were happening, like, as I've already told you, Sati Pratha, Jauhar, women's education, widow remarriage. So these were all, you know, things that were not allowed because of such religious constraints. When such reformers came to the forefront, who were educated, who had Western education, who had read books, they started questioning them. And exactly,
नाउ धीरे 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 न्यूज़पेपर्स आने लगे, एंड वेन एवर यू हैव न्यूज़पेपर्स, स्पेशली इट वॉज अ टाइम वेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडिया, राइट? सो न्यूज़पेपर्स बिकेम अ मोड ऑफ डिस्कशन, ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. यस, सो इट जेनरेटेड डिस्कशंस एंड एक्सप्रेशन. सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज इट हैपन्स राइट नाउ एज वेल. See, this is what I was saying. So, Raja Ram Mohan Roy, so मैं कुछ पहले पहले तुम लोगों को चीजें बता दे रही हूँ. So he was not happy about many things. So he was not happy about the orthodox Hindu customs, and because he said कि people are getting trapped by these orthodox customs, so you have to free them. So he started publishing this. Sambad Komudi and Commission Samachar Chandrika and matlab Samachar Chandrika jo banaya gaya tha, this was to challenge Sambad Komudi, because Sambad Komudi wanted to free people, Samachar Chandrika Raja Ram Mohan Roy ke ideas ko oppose karne ke liye aaya. So these during this time it was not only Hindi or matlab not only Bengali and English, but there were two Persian papers also came up, and these names are very very important. Please don't miss these names, Jam-e-Jahan-nama and Shamshul Akbar. So there was also a Gujarati newspaper called Bombay Samachar. So there were a number of newspapers that came up. Now jaise wahan pe चर्च वॉज वेरी एंशियस के भाई हम लोगों का क्या होगा, हम लोग तो खत्म हो गए, हम लोगों का पावर इज जस्ट ओवर. सो सिमिलरली इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज द मुस्लिम उलेमास, ठीक है, मतलब रिलीजियस हेड्स ऐसे पोजिशन वाले लोग. सो दे स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी एंशियस के अरे वॉट विल हैपन, यू नो, इफ दे स्टार्टेड questioning. So what did they do in return? They started printing religious tracts, holy scriptures in the newspapers, ताकि लोग इनको भी पढ़े और इससे भी influence हो. So they thought, the ulemas thought, why will people read only rational stuff? So let them read religious stuff as well, right? So they started publishing Persian and Urdu translations of holy scriptures in various newspapers. So ye unka coping mechanism tha. Now it was during this time that the 19th century mein in Calcutta, the first printed edition of Ram Charitmanas of Tulsidas appeared. Okay, so this is also a very good thing. Now dheere dheere as I've always told you, books, movies, any media, okay, mass media, it is a reflection of the human society. So human lives mein kya chalta hai usi ke bare mein baat karta hai. So everything, these books, dheere 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 they started books started appearing that talked about human emotions, human feelings, anxiety, despair, happiness, pain, provocation, anger, victimization, desperation, optimism, reinforcement. Yahan pe you have a number of words and I can completely read all of them, but yes, they were talking about intimate feelings. And you know, when you read a book, I don't know कितने लोग कितने books पढ़ते हो, but when you read a book and you find के भाई this character has so much similarity with me, पढ़ने में अलग ही मजा आता है ना, कि अरे भाई शायद इस situation में मैं भी यही करती. Okay, और not only that, it also helps you to imagine. Now for example, if you are reading Sherlock Holmes, or if you are reading Satyajit Ray's Feluda, I'll tell you that later on, but and you place yourself there, you think yourself to be the detective,
ये अगर यार क्या होता, इफ आई वुड हैव बीन द डिटेक्टिव, व्हाट इज द क्लू दैट आई एम मिसिंग, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ आई यू नो व्हेन एवर आई टीच, तो आई फील के थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है. तो आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेड 10th, मैंने बोर्ड्स मैंने दिए दिया, मैंने तुम लोगों के एज की में थी, तो आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ बांग्ला लैंग्वेज, दो बंगाली वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज, बट आई वॉज नेवर वेरी गुड इन बंगाली. बट वॉट हैपेंड, माई फादर इज अ वेरी वेरी बिग सत्यजीत रे फैन, ठीक है, एंड ही हैज द इंटायर कलेक्शन ऑफ सत्यजीत रे बुक्स दे. तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फेलुदा. फेलुदा इज बेसिकली द डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ सत्यजीत रे. तो आई स्टार्टेड रीडिंग फेलुदा एंड यू वोंट बिलीव आई कंप्लीटेड द एंटायर सीरीज ऑफ फेलुदा. एंड मेरा स्पीड इतना बढ़ गया यार बांग्ला पढ़ने का. आई यूज टू फिनिश, दे वर नॉट वेरी थिक बुक्स और दे वर नॉट वेरी लेंथी बुक्स, तो आई यूज टू फिनिश वन बुक बाय दिस आफ्टरनून. मतलब दोपहर में मैं सोती नहीं थी, आई जस्ट यूज टू रीड बुक्स. एंड देन आई रियलाइज वाह व्हाट अ फैबुलस राइटर ही इज. ओके सो यस, आई फेल इन लव विद सत्यजीत राय. तो यस एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तुम लोग भी शेयर करना एट द एंड ऑफ द वीडियो हु इज योर फेवरेट ऑथर एंड व्हाट इज योर फेवरेट बुक. डेफिनेटली डू दैट. नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपेंड एंड दैट इज द वर्क ऑफ राजा रवि वर्मा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग डज नॉट मीन ऑलवेज प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट, राइट? सो प्रिंटिंग कैन बी ऑफ इमेजेस एज वेल. सो राजा रवि वर्मास पेंटिंग्स दे स्टार्टेड टू बी printed and it became a huge success. Okay, whatever he did paint, it was published, it was matlab whatever he painted it was printed and it was made available to the people. Okay, so excellent. Also during this time there were a number of saste wale prints. Aajkal bhi tum logo ko raaste mein mil jata hai koi bhi Bollywood actor ka saste wala poster. Theek hai, तो वैसे ऐसे सस्ते सस्ते वाले पोस्टर्स भी बहुत सारे मिलने लगे. इवन इफ यू सी, यू विल सी अ लॉट ऑफ पोस्टर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस बीइंग सोल्ड इवन नाउ. तो तब से ही शुरू हो गया था, मतलब जब से प्रिंटिंग आया है तब से भगवान के फोटोज प्रिंट होना तब से ही शुरू हो गया था. ठीक है, तो एंड मोर ओवर ये जो जब से प्रिंटिंग आया ना, कैलेंडर में ये जो पिक्चर्स लगाते हैं ना, दैट ऑल्सो बिकेम वेरी प्रोमिनेंट. पिक्चर्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन एडवर्टाइजिंग. जैसे दिस इज, तुम इमेजिन करो ये 1935 का कैलेंडर है, दिस इज बेसिकली, एंड ये सनलाइट का एड है. तो तुम सोच सकते हो सनलाइट कितना पुराना कंपनी है. सनलाइट अभी भी मिलता है, आई डोंट नो अबाउट दिस रीजन, बट इन बंगाल यू स्टिल फाइंड सनलाइट डिटर्जेंट. नाउ ऑल्सो यू हैव कॉमिक्स, ठीक है. सो जैसे यू हैव आर के लक्ष्मण, ही इज कैरेक्टर इज द कॉमन मैन. सो ही एक्चुअली क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ कॉमिक्स. तो ये भी आने लगा इन द न्यूज पेपर्स, ठीक है, छोटे से सेक्शन में आने लगा, वेरी गुड. नाउ कमिंग टू वुमेन, तो वहां पे भी वी टॉक्ड अबाउट वुमेन इन यूरोप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन इन इंडिया. नाउ The fact is कि women in India have always been dominated, but it was a time of change in India as well. So there were a number of husbands, liberal husbands, अच्छे papas who came forward and they said no, we have to educate our children, we have to educate our girls as well. So बहुत सारे इस time पे journals आए that stressed as to why women should be educated. Okay, because till this time women education was a very secondary issue, but when people started writing about it ki nahi, women education is also very important, they should be educated, so people became more aware. And you know, dekho
सोसाइटी इज फुल ऑफ कंजर्वेटिव पीपल. ठीक है, आई हैव ऑलवेज सेड कि चेंज लाना इज नॉट अ इजी टास्क. तो व्हाट हैपेंड फॉर कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, दे फियर्ड कि अगर अरे हम लोग के बेटियां ये सब रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ेंगे, इफ दे रीड सच रोमांटिक नॉवेल्स दे विल गेट करप्टेड. ओके, इनका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. नाउ कंजर्वेटिव हिंदूज दे थॉट कि अगर मैं अपने इफ आई एजुकेट माय गर्ल शी बिकम अ विडो वेरी सून, आई डोंट नो व्हाई, बट दीज वर द स्टूपिड थॉट्स दैट वर देयर इन द दिमाग ऑफ पीपल. ओके कि यार क्या ये लोग क्या ये सब प्यार मोहब्बत वाली स्टोरीज पढ़ रहे हैं. एनीवे, इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मेनी वुमेन राइटर्स केम टू द फोरफ्रंट. सो यू आई हैव रेड दिस बुक, डू रीड इट, इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल, दो आई हैव रेड इट इन बांग्ला. दिस इज राजसुंदरी देवीज ऑटोबायोग्राफी, मतलब माई लाइफ, मतलब आमार जीवन. If you translate it in English, it will be My Life. So it is basically her autobiography that was published in Bengali language. And when somebody writes an autobiography, she also went through all the struggles, the same struggle that all women in Bengal were going through at that age. They were expected to stay indoors, no studies, etc. So when many people, many women read about it, they thought of ki bhai, this is just like our life. And if Rashchandri Devi can come up and write about her own life, she's educated, hum log bhi kar sakte hain. So it was an inspiration. Okay, now in Maharashtra during this time, you have Tarabai Shinde, you have Pandita Ramabai. They also, you know, they were very angry and they said ki ye the life of widows, especially the upper caste Hindu woman, is pathetic. Okay, so if you are especially being a widow during that time, you understand. So in Bengal, I know about the condition of Bengal, you know, if you are widow, you have to wear white sari, you are not allowed to eat anything other than dal, aloo and chawal, you had to shave your head, you were not allowed to wear any other color, you were not allowed to participate in any celebrations in the house. Matlab, your life has come to an end. So that is the reason that many women went to Banaras, because Banaras was one, is still a place where widows live their life in seclusion. So yes, pathetic. And yes, Tarabai Shinde, Ramabai, they wrote about it. Dheere dheere dheere, in the 20th century, if you see, a number of public libraries also came up, especially in cities and towns, chote mote se shahar, matlab gaon mein bhi libraries aane lage. So acha ho gaya, now women could go to the libraries, pick up books, read, borrow it. So education ya knowledge was spreading. It was during this time that Jyotiba Phule, who was a Maratha reformer, so he took up the cause of the low caste people. Because jaise woman ka condition bura tha, low caste people ka to halat in India is always very bad. So he wrote against the caste system in his book called Gulamgiri. Now this is a very, very important name. Don't miss it. Jyotiba Phule, low caste and Gulamgiri. ठीक है, ओके. नाउ इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम वी आर मूविंग क्वाइट अहेड, सो वी कम टू 28th सेंचुरी एंड वी टॉक अबाउट बी आर अंबेडकर. बी आर अंबेडकर अगेन वाज अ चैंपियन ऑफ द लो कास्ट पीपल एंड सो ही रोट अबाउट देम एंड दैट हैड अ नेशनल अपील. इट टच्ड मेनी सोल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. नॉट ओनली दैट, people from different walks of life, if you look at by 1938, so this was the time when the country was industrializing. So Kashi Baba, who was a Kanpur mill worker, so he also wrote a book called Chote aur Bade ka Sawal. Okay, so talking about the life of mill workers, so now not only are the rich writing, but
women are writing, okay, workers are writing, and they are writing, and they are also, you know, they are the producers as well as the consumer. Okay, so everybody is trying to talk about their own life. So in 1930s, again the Bangalore cotton mill workers, they set up their own libraries, okay, and they wanted to bring literacy as well as nationalism. You always have to remember that this was the time when British were there, so books helped in the development of nationalism or spreading the ideology of nationalism. Okay, so that is the reason you have books like Anandamath, that is so important. But agar bhai hum log baat kar rahe hain ki hum log khullam khulla we are going to talk about the British are never going to allow that. It's the same fear. Hey bhai, if people start speaking against the English, then our regime is also going to come to an end very soon. So they brought in, the British brought in what is said to be censorship. That is, you could not print anything without the permission of the British. Okay, so if the British gave you the permission, you can print that. That means if you're trying to write anything against the British, they won't give you the permission. Hai na? Now, I hope so till now the class is clear, no issues. Okay, now by 1820, the Calcutta Supreme Court passed few rules where they control the press. Okay, so उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ प्रिंट करो जो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में एकदम वाह वाह ही करे, दे स्पीक ऑल गुड अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर. ओके, सो इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम देर वर मेनी गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स सच एज यू हैव लॉर्ड बेंटिक, यू हैव थॉमस मैक्यूले. सो दे सेड के दे वर इन फेवर ऑफ less censorship. They said no, people should have the freedom, they should write whatever they want to. Okay, and that is what happened. And after revolt of 1857, so initial thoda sa chhoot mil gaya tha, but after the revolt of 1857, again you have the press was allowed to it was forced to shut down in 1878. Now this is the most important act, and I feel questions always come from here. That is Vernacular Press Act. Now this was a very very discriminatory act. Why? Because if you are printing something in vernacular language, that is if you are printing something in Marathi, in Gujarati, in Bengali, in whatever, Hindi, then you have to take the permission of the British. If you are printing it in English language, you don't need any you don't need any permission. This was something wrong. That means you are trying to suppress vernacular press. And why did they try to suppress the vernacular press? The reason being ki sabko English padhna nahi aata tha. Everybody could not read English, but people could read their native language. That means the reach of native language newspapers was far more. So bhai, they realized if we can stop this, okay, if we can stop the publication of vernacular languages, it is going to be of great, great help. And so they clamped it down. Okay, so in 1907, so Bal Gangadhar Tilak, his kesari. So because of his kesari, many Punjab ke revolutionaries, they were deported. So and then they were imprisoned. Dal do unko jail mein. Kya bol rahe? How are they speaking ill about it? Okay. And so this is something that continued throughout in India. Okay, so even during the time of First World War, so again the press went through a lot of restrictions. So I feel if you think about it, matlab
मेनी पीपल क्वेश्चन के भाई हाउ इज हिस्ट्री स्टिल रेलिवेंट, है ना. नाउ आई वुड वॉन्ट एवरीबडी दोज इंटरेस्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्ट यू वन क्वेश्चन, यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हु इज योर फेवरेट ऑथर, वॉट काइंड ऑफ बुक्स यू राइट टू रीड. एंड अनादर क्वेश्चन, डू यू थिंक, ये थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन, डू यू थिंक ये जो सेंसरशिप बोलते हैं हम लोग कि नहीं आप ये नहीं छाप सकते हो, यू कैन नॉट राइट दिस और दैट, डू यू थिंक दिस सेंसरशिप थिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, और तुमने कभी फेस किया है तो और यू हैव हर्ड इन द न्यूज कि किसी ने कुछ छापा, गॉट इट प्रिंटेड एंड फॉर दैट ही वॉज इम्प्रिजन्ड. So if you come across any of these examples, please write it in the chat. Okay, not in the chat, I mean to say in the comment section. Also, you can also say, see, I also believe along with print, your right to speech is very important. Okay, so if you feel again that you have come across any such instances where you were not allowed to say something that was right, you can just mention about it. I don't need any newspaper clippings. It can be from your own personal life and any experience, any, I feel anything that you want to write after you have seen this entire video about your favorite folk tales, a story that you remember, how your dadi or nani used to tell you tales, or what section of the newspaper you definitely don't miss. So I remember, again, my own experience, my father was a very big fan of Phantom. I don't think so, abhi koi Phantom padhta hai. But, to newspaper mein, Bangla newspaper mein, aise Phantom ka column aata tha. Shayad mere papa, jitna news nahi padhte the, usse zyada wo Phantom ke comics padhte the. Theek hai? So if you have any such experience that you want to share, do share. ठीक है. एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव लाइक द सेशन. वी हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर इन डिटेल्स एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट नेम्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. एंड ऑल्सो इन केस यू हैव एनी डाउट अंडरस्टैंडिंग एनी यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, डू राइट इट in the comment section. And don't please don't forget to like the session, subscribe to the channel, and also that bell notification wala icon, so that kabhi bhi naya video aata hai and do it. One more thing, please, I'll tell all of you, please take the subscription, or whether it is a plus subscription or you want to go for the iconic subscription. Telling you once again, these are not very expensive subscriptions, because maximum, even if you take the iconic subscription, it is something around 2000 rupees per month. And that too, if you add my code, that is SDA10, you get 10% discount. If you have not downloaded the app yet of Unacademy, प्लीज डाउनलोड द ऐप ऑफ एन अकेडमी, बिकॉज आप ऐप अगर डाउनलोड करते हो वहां पे भी बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं. ठीक है. एंड यू विल गेट टू सी के प्लस कोर्सेज में क्या क्लास चल रहा है, आइकॉनिक में क्या क्लास चल रहा है, सुपर क्लासेस में कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. सो गो फॉर इट. सो डाउनलोड इट, यू नो फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड द ऐप. You have to download it from Play Store if you have an Android phone. If you have an Apple phone, तो क्या है Play Store? नहीं, Play Store तो नहीं कहते हैं उसको. What is their store? Apple Store. हाँ, तो वहाँ से download कर लो. And I hope so all of you have liked the session. So bye bye Tata, and we'll cover all the chapters.